नमस्कार, जय हिंद, जय माता दी। साथियों, मेरा नाम देव द्विवेदी और मैं बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर का छात्र चंद्रशेखर आजाद, कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर। पीछे का स्टैचू देख के आपको पता ही चल गया होगा लोकेशन हमारी क्या है इस समय। तो ऐसे ही वीडियो बना के जैसे चैनल पे अपने डालता हूँ तो एक दो कमेंट आया कि हॉस्टल लाइफ और दिखा दीजिए कैसी है, मतलब हॉस्टल में क्या कैसे कितने रह रहे हैं, कितने रूम, मतलब किस हिसाब से रूम अलॉट किया जाता है। और जैसे मैं सेकेंड ईयर में हूँ तो आज दिखाते हैं हम लोग किस कौन सा हॉस्टल दिया गया है और एक रूम में कितने लोग रह रहे हैं। चलिए आइए आपको अपना हॉस्टल दिखाते हैं आज। हम लोग आ चुके हैं हॉस्टल में। बाहर का लुक हम आपको दिखाते हैं, कुछ इस कदर से है। मज़ा बहुत आता है यहाँ पे। एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद सब भाग जरूर बहुत जल्दी जाते हैं। जैसे एग्ज़ाम आज ख़त्म हुआ तो आज की रात को ही भाग जाएंगे सब अपने अपने घर। लेकिन एक सप्ताह तब होता है जो सारे सारे फिर यहीं पर आ जाते हैं, घर पर नहीं किसी को अच्छा लगता है। तो अभी भी एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं लेकिन जिनको घर पे नहीं अच्छा लगता है यहाँ अच्छा लगता है, तो आज उनसे मिलाते हैं आपको जो यहाँ पे टिके हुए हैं अभी भी। आते हैं, मिलते हैं एक के कमरे में, चलते हैं। अचानक से क्या हो रहा है यहाँ पे, कुछ बन रहा है, क्या बनाया है विशाल नागर भाई? मैगी। थोड़ा बताइए कहाँ से हैं आप, कहाँ से यहाँ पे आना? कोटा राजस्थान से। आईसीआर से आए हैं यहाँ पर। आईसीआर में कितनी रैंक थी आपकी? 2926। तो क्या कहना चाहेंगे अपने राजस्थान वाले, अगर कोई यहाँ पे देख ले देख रहा हो तो उसको क्या कहना चाहेंगे बारे में? बहुत ही अच्छा है, बहुत मजा आता है, फुल एंजॉय एकदम से। भाई साहब मैगी बना के खा रहे हैं। और आप भैया कहाँ से हैं? कानपुर से। कानपुर से ही है, फिर भी मतलब होम टाउन है, फिर भी सीएसए हॉस्टल लाइफ का मजा लेना है आपको? हॉस्टल लाइफ अच्छी होती है, हॉस्टल लाइफ है, बोले मेमोरीज तो यही होती है ना। सही है, क्या करेंगे, सही है। हाँ, घर पर बचपन से ही कहा जा रहा है ना, सही है। ये कमरे में समय आए हुए हैं, ये यहाँ पे कुछ हमारे कन्नौज के, ये कन्नौज से हैं। आप कहाँ से हैं? अरे बाराबंकी। बाराबंकी। और आप? हरदोई। और आप भाई साहब? हमीरपुर। चलो अच्छा ठीक है। ये मतलब दिन भर खाने पीने से फुर्सत मिल जाए, खा ब्लॉग बना रहे भैया, बिजली करवाओगे क्या यार? लोग तुमको देख रहे हैं, सीएसए देखेंगे कल तुमको, है खाना। अब हम जिन भाई साहब के रूम में आए हैं, इनके पास थोड़ा गिटार वगैरह है तो देखा जाए कुछ बजवाना, बजाना जाना तो आता नहीं है, बस देखते हैं क्या कर लेते हैं।
तरक्की के इस रास्ते में कुछ दोस्त मैंने खो दिए। घर से जब निकला तो घर वाले भी लोग किसे नहीं पसंद शहर अपना, सबके दिल तोड़कर जाना पड़ता है, हालत नहीं हैसियत पूछती दुनिया, इसलिए घर छोड़कर जाना पड़ता है। सबको सबको गिटार बजाना आता है, किनका भी देख लेते हैं। चलो ठीक है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। अफसोस है फिर वो हमसे कुछ टुकड़ा टुकड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। तो हम इस समय एक रूम में आए हैं, चलो कुछ पढ़ रहे हैं, दोनों बंदे पढ़ रहे हैं, तो दिखाते क्या पढ़ रहे हैं। ये भाई साहब की पढ़ाई हो रही है, देखो इन भाई साहब की पढ़ाई हो रही है। ये बंदा डिसेंट है, ये पढ़ रहा है, क्या पढ़ा जा रहा है? नियमराज सुंडा है। बहुत सही। अच्छा, हम आपसे कुछ सवाल जवाब करने आए हैं। रूम हम आप सबको पहले दिखा देते हैं, रूम कितना बढ़िया है। देखिए ये दो मैप लगे हैं, इंडिया का पॉलिटिकल मैप लगा है। दोनों यूपीएससी स्टूडेंट हैं सर? हैं दोनों यूपीएससी? दोनों स्टूडेंट यूपीएससी। बहुत सी उनका प्री निकल गया है। ये बाल्टी सामान में बाल्टी गाल्टी सामान वामान थोड़ा बहुत पड़ा है। उनका प्री निकल गया है, शुक्ला का उनका दो नंबर दे रह गया। निकल लो यार, निकल लो। अच्छा, तो आप मतलब कहाँ से हैं, क्या नाम है आपका भाई साहब? माय नेम इज अभय शुक्ला। अभय शुक्ला, आई एम फ्रॉम लखीमपुर खीरी। लेकिन वो सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं आप, यहाँ पे बीएससी एग्रीकल्चर है ना। अच्छा, ये किस हिसाब से यहाँ पे रूम कैसा हॉस्टल दिया जाता है?
ये हॉस्टल तुम लोगों को इस बार दिया गया सेकंड ईयर में ये ब्लॉक। हाँ ये ब्लॉक इसमें होता है क्या, इसमें डबल सीटेड मिलता है, डबल सीटेड दिया गया है, दो लोग रहते हैं। सही है, तो उसमें क्या क्या दिया, जैसे बिस्तर हो गए, दो बेड दिए जाएंगे, दो बेड हो गए, फ्रेम का बेड रहता है। हाँ, और ये दो टेबल हो गए बढ़िया स्टडी टेबल मस्त एकदम पढ़ने वाली, और इधर ये एक अलमारी इनकी हो गई, इसमें सब सामान एक कैंडिडेट की रहेगी, और चाय वाय कभी दूसरे कैंडिडेट की अलमारी ये हो गई, हालांकि ये रखा है कैंडिडेट नहीं, ये कैंडिडेट अवैध इस समय रह रहा है इस कमरे में, और कभी कभी कुछ बना लेते हैं खाना पानी। हाँ, कभी कुछ बनाना हो तो बनाने के लिए ये रखा है। गुरमीत भाई बहुत अच्छा बनाते हैं, चाय रोज पिलाते हैं। ये रूम बढ़िया, देखो लाइट लगी, वो पंखा चल रहा है ऊपर है, एक लाइट इधर भी लगी, अच्छा वो लाफिंग बुद्धा रखे हैं, बहुत बढ़िया शानदार। ये हम आपको ये दिखाना चाहते हैं, ये किस तरह से, ये क्या पेंटिंग की, ये गजब कलाकारी, भाई साहब इसको मोटिवेशन, मतलब वो कहते हैं जरा तस्वीर से तू निकल के सामने आ, आई लव यू लिखा है, अच्छा मेरी महबूबा है, बहुत सही। देखिए गणपत बप्पा मोरया, ये देखिए क्या पेंटिंग, मतलब कलाकारी उभर गया, नैन नक्स बेचारी की मिट गए, लेकिन बहुत अच्छा फिगर मतलब मेंटेन किए रहे। ये देखो ड्यूअल सेंस वाली, मतलब पेंटिंग की गई है, आंखों में बसा है कोई इसकी, और ये देख मतलब यूपीएससी से रिलेटेड सब कुछ मिलेगा यहाँ पे आप। अच्छा अच्छा भाई साहब आप कहाँ से हैं, थोड़ा अपना वो बता दीजिए। मैं सहारनपुर से। सहारनपुर से हैं, तो सहारनपुर से जो कोई हमारी ये वीडियो देख रहे हो सीएसए में आए, बहुत मजा आता है यहाँ पे। लाइब्रेरी कितने टाइम, 24 घंटे लाइब्रेरी होगी, लाइब्रेरी कितने टाइम निकलोगे भाई शुक्ला जी? 24 आवर है, अभी जा रहे हैं लगभग, जस्ट खाना खाए हैं। ब्लॉगर भी अभी लाइब्रेरी से ही आया है। ये ब्लॉगर भी लाइब्रेरी से आया है, बता रहे हैं। अच्छा भाई साहब आप, अरे आप छुप रहे हैं भाई, पीछे अपने आईस भाई बना दो रेड वाले भाई की है, इसकी बात है। जिस रूम में पूरा का पूरा हमने आपको बायोडाटा दिया है, जिस रूम का कैसे यहाँ पे दिए हैं, मतलब रहने को 2 सीटेड रूम है, आराम से 2 टेबल बढ़िया मिलती है, मस्त एकदम कुर्सियां वगैरह। अच्छा ये बताइए भाई साहब आप कहाँ से हैं, इनसे पूछो, इधर 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 पीछे मुड़े यार, ये शर्मा, ये प्यारी शर्मा आ गई। हाँ तो भाइयों हम इस समय कौन सा पाल जी का रूम है, पाल जी रूम नंबर, रूम नंबर 15 है ना, रूम नंबर 15, चलो देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। और नमस्कार भाई साहब। नमस्ते भाई। अच्छा एक मिनट, ये सब पढ़ाई हो रही है। अच्छा भैया आप क्या पढ़ रहे हैं? सेक्सोलॉजी एंड साइकोलॉजी, ये कौन सा सब्जेक्ट? चलिए कोई बात नहीं, पढ़िए पढ़िए, साइकोलॉजी सेक्सोलॉजी बता। हाँ अच्छा आप क्या पढ़ रहे हैं? हिस्ट्री पोर्शन में, ये सब यूपीएससी स्प्रेड है ना, यूपीएससी। यहाँ देखिए मैप देख लीजिए। अच्छा अभी आपका मैप कहाँ चला गया भैया? ये मैप लगे गया इधर छोटे वाले। अच्छा इधर लगा, अच्छा हटाइए बैग, हटाइए मैप लगा, मैप लगा, इसे बस्ता टांग के रखेंगे तो देखिएगा का देखिए तो देखो बढ़िया भारत का नक्शा पूरा। अच्छा हम पिछली मतलब रूम में गए वहाँ तो बता ही चुके थे किस हिसाब से दिया जाता है, कैसे कमरा एक सिंगल सीट है, डबल सीटेड है, कैसा क्या है। तो बीएससी तक जब तक आप रहेंगे तब तक आपको वही डबल सीटेड रूम मिलेगा, एमएससी पीएचडी में जाके आपको सिंगल सीटेड कमरा दिया जाएगा। यहाँ देख लीजिए इनकी सब सामान रखी है, इनकी छुपी हुई, इनकी कुछ सीक्रेट सामान है तो छुपी हुई रखी है, इनका सब खुला खुला है। चलिए भाई साहब बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके।